हरियाणा रोडवेज की हड़ताल आज तीसरे दिन में प्रवेश कर गई है, जिसको लेकर के बसों का चक्का जाम रहा। इस हड़ताल के कारण आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इंद्री में भी इसका खासा असर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से प्राइवेट बसों की चांदी हो रही है। वहीं पर लोग अपनी जान जोखिम में डाल करके बसों के ऊपर बैठकर यात्रा करने को मजबूर हो रहे हैं। इस बारे में ना तो प्रशासन ही इन लोगों की कोई मदद कर पा रहा है और ना ही सरकार की तरफ से यात्रियों के लिए कोई सुविधा मुहैया करवाई गई है, जिसको लेकर के लोगों में सरकार के प्रति रोष व प्रशासन के प्रति भी भारी रोष व्याप्त है। जिस प्रकार से लोग बसों की छत पर सवार होकर के अपने निर्धारित स्थान पर पहुंच रहे हैं, उससे दुर्घटनाओं की भी आशंका बढ़ रही है। यदि ऐसी स्थिति में दुर्घटनाएं हो जाती हैं तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? लोगों की मांग है कि इस प्रकार की हड़ताल से निपटने के लिए सरकार को कोई ना कोई विकल्प निकालना चाहिए, ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। ऐसा हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों द्वारा जो स्ट्राइक की गई है, वो अपनी मांगों के लिए स्ट्राइक नहीं है, इनकी जनता की मांग है। ये सरकारी बसें ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जो सुविधाएं सरकारी बसों में मिलती हैं वो सुविधाएं प्राइवेट बसों में नहीं मिलती। आज भी अगर किसी आम जनता को कोर्ट में जाना हो, किसी जरूरी काम से किसी समय में पहुंचना है, तो प्राइवेट बस की बजाय सरकारी बस में बैठना लोग पसंद करते हैं। और उसी महकमे को बचाने के लिए सरकार की नीयत में खोटा कि महकमे को बेचना चाहती है, प्राइवेट करना चाहती है, इसलिए हरियाणा के जो कर्मचारी है रोडवेज के वो स्ट्राइक पे है। और उनकी कोई वेतन बढ़ाने की मांग नहीं है, कोई भत्ते बढ़ाने की मांग नहीं है, केवल ये महकमा बचे, जनता को बेहतर सुविधाएं मिले, इसलिए स्ट्राइक और सक्सेसफुल स्ट्राइक है इसकी। सरकर्मचारी संघ हरियाणा इसके साथ है। जब तक इनकी हड़ताल चलेगी, सरकर्मचारी संघ हरियाणा इनका साथ देगा। जो 720 रूट जो हरियाणा सरकार द्वारा प्राइवेट हाथों में दिए जा रहे हैं, वो सरकार के ही नुमाइंदे हैं, जो इनके रिश्तेदार या इनके कार्यकर्ता उन पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए इन बसों के रूटों को देने पर सरकार अड़ी हुई है। अन्यथा जनता जो चाहती है वो प्राइवेट बसों की बजाय सरकारी बसों में मतलब सुरक्षा महसूस करती है, क्योंकि सरकारी बसों के ऊपर मतलब योग्य ड्राइवर है, कंडक्टर है, और उनके ऊपर भरोसा भी है। उनको कहीं ना कहीं अगर कोई घटना होती है, नौकरी जाने का खतरा रहता है। हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के अड़िंग है। वहीं पर सर्व कर्मचारी संघ ने भी हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों को पूरा समर्थन दिया हुआ है। सर्व कर्मचारी संघ इंद्री ब्लॉक के प्रधान मलकीत सिंह का कहना है कि सरकार को अड़िल्ले रवैया छोड़ करके हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों के साथ बातचीत करनी चाहिए, नहीं तो यह हड़ताल अनिश्चितकालीन भी हो सकती है, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा।